इस वीडियो में हम लोग टार्टरी जलसंधि के बारे में जानेंगे। यह जलसंधि जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ती है तथा सखालिन द्वीप को रूस के मुख्य भूमि से अलग करती है। आइए हम लोग इसे एक मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जापान सागर है और इधर ओखोटस्क सागर है। ये दोनों सागर एक सक्रिय जलमार्ग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इस सक्रिय जलमार्ग को ही टार्टरी जलसंधि कहते हैं। यहाँ पर रूस है और यहाँ रूस का ही एक द्वीप सखालिन है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि टार्टरी जलसंधि जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ रही है तथा सखालिन द्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग कर रही है।